हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल संडीला डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, आप सेटिस्फाई हैं, अपने पोटेंशियल को पूरा यूज कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप जो है और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप जो है खुद में भी फील करें कि हाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। वेयर डिड द क्वाड लीडर समिट 2021 हेल्ड? क्वाड लीडर समिट 2021 कहाँ पर आयोजित हुई है? सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक है। ये क्वेड लीडर्स या क्वेड जो ग्रुप है ये क्या है? ये चार कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें एक इंडिया है, उसके बाद एक जापान है और ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ साथ यूएसए। ये चार कंट्रीज हैं जो कि इस जिससे बनके ये ग्रुप बनाया है। और किस लिए बनाया गया है? क्योंकि अभी आपने देखा कि हिंद महासागर में जो इंडस ओशियन है या फिर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, वहाँ चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो चाइना के जो प्रभाव को काउंटर करने के लिए ये मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो इनकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है ये। तो ये मीटिंग हुई है वाशिंगटन डीसी में, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पर जो है इनकी मीटिंग हुई है। तो हमारा सही आंसर हो गया वाशिंगटन, ठीक है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखें तो न्यूयॉर्क जो है, आप पता है कि ये कहाँ पर है, ये यूएसए में है। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और टोक्यो जापान की राजधानी है। तो बिल्कुल ऑप्शन जो है नियर नियर ही है, लेकिन हमारा सही आंसर है वाशिंगटन। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है, वेयर डिड द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेल्ड? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो वो डिफिकल्ट दिखाई देता है। तो आप देखिए 76th सेशन ऑफ नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है कहाँ पे हुआ, 76वां जो सेशन इसका कहाँ पे हुआ। सीधी सी बात है वो संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्यालय में हुआ है और वो मुख्यालय कहाँ पर, ये पूछ रहा है। तो सारे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, उनको हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं कि यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में भी आपसे पूछ सकता है कि मैनहट्टन द्वीप पर जो है इसका जो मुख्यालय है। तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि मैनहट्टन द्वीप पूछ सकता है कि कहाँ पर है। वो इसलिए पूछ सकता है कि यूएनओ का ये मुख्यालय है यहाँ पर। तो मैनहट्टन द्वीप जो है वो यूएसए में है, न्यूयॉर्क में है, और उस मैनहट्टन द्वीप पर भी ही यूएनओ का जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी ऑप्शन को देखते हैं। द हेग, यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जेनेवा से अगर देखेंगे तो जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। उसके साथ साथ एक और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। एक और मुख्यालय रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। और इसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है। तो जेनेवा कहाँ पर है ये पूछ सकता है। तो जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उसके अलावा एक और ऑप्शन जो है न्यूयॉर्क हमने देख लिया है कि यूएनओ का जो मुख्यालय यहीं पर है, टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 2021 है, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए आपको दिखाई देगा COP26 का अगला सम्मेलन कहाँ पर होगा या COP26 किस से रिलेटेड है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में, और 2021 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आपको UNFCCC करके भी लिखा मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, वो भी पूछ सकता है। और ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और ऑन क्लाइमेट चेंज, और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये पार्टीज क्या है कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पे देख लिया हमने क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, बाढ़ आना या फिर तूफान आना, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो इस पर डिस्कस हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको कैसे चेंज किया जाए। तो जो डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएसए, वो कहता है कि जो डेवलपिंग नेशन है जैसे इंडिया चाइना, वो पोल्यूशन कम करे। लेकिन वो लोग कहते हैं कि आपने तो अपने टाइम पे बहुत पोल्यूशन किया, अब आप डेवलप्ड हो गए हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट का जो अधिकार है उसको रोक रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं रोक रहे। तो इंडिया खासतौर से, आप ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है इस वजह से है कि वहाँ पर जो यूएनओ में भारत ने जो कहा है वो क्या कहा है कि हमें जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि हमें पोल्यूशन कम करना पड़े। आपने ग्रीन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और आप चाहते हैं कि वो हमें खरीदें, तो हमारे पास 2-3 दिन पैसे नहीं है, तो आप हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी दीजिए ताकि पोल्यूशन कम होगा और हम कोप की जो वार्ता है उसमें जो पोल्यूशन को कम घट करने का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो में होने वाला है। ग्लासगो कहाँ पर है? यूके में है, ठीक है। यहाँ पर ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में समिट होगी और ये काफ़ी फेमस समिट है, काफ़ी विवादित समिट है। तो ये क्वेश्चन जो है बन सकता है, किस तारीख को भारत अंत्योदय दिवस मनाता है? अंत्योदय शब्द का मतलब है कि अंतिम आदमी, जो पंक्ति में अंतिम आदमी है उसका भी जो है उदय करना।
तो ये थ्योरी दी थी पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने ये थ्योरी दी थी। और इसी पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन के 25 सितंबर के दिन ये मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, भारत सरकार ने जो है ये शुरू किया है। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है और इसी इन्होंने थ्योरी दी थी अंत्योदय, और उसीलिए इसको जो है भारत सरकार अंत्योदय दिवस के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेप्टेम्बर 2021 विच कंट्री हैज़ पुट ए ब्लैंकेट बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटल करेंसी, जैसे बिटकॉइन का आपके नाम, हमने नाम अपने नाम सुना होगा, ये कंप्यूटर जनरेटेड एक करेंसी होती है। अभी तक इसको किसी ने मान्यता तो दी नहीं है, यूज़ नहीं कर रहा बहुत सारे देश, और भारत में भी इसको खरीद लेते हैं लेकिन RBI इसको जो है ट्रांजेक्शन में इसको अलाउ नहीं करता। लेकिन एक कंट्री है जिसने इस पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन कर दिया है, ठीक है। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर, क्रिप्टो मीटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? ब्लैंकेट बैन मतलब पूर्ण प्रतिबंध, तो ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया, नेपाल या भूटान। तो इसका सही आंसर है चीन का गणराज्य, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ चाइना ने जो है इसको जो है बैन कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि ये ड्रग्स पेडलर जो है, ड्रग्स जो बेचने वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं, या टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, या जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं इसका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको जो है बैन कर दिया गया है। ये कंप्यूटर जनरेटेड क्रिप्टो करेंसी होती है, तो इसका आंसर हो गया हमारा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एक्सीलेंस और नेशनल अचीवर्स अवार्ड प्राप्त किया है? हु अमंग द फॉलोइंग अचीव द बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर अवार्ड? कौन जो है? रतन टाटा, अजीज प्रेम जी, अर्जुन देश पांडे, कपिल पठारे, तो इनमें से कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल जो है नेशनल अचीवर अवार्ड जो है वो प्राप्त किया है? अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अवार्ड पहले सबसे पहले कौन देता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है, ठीक है, और महाराष्ट्र के गवर्नर जो है जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। तो ये क्वेश्चन और भी हो गया, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर हैं, काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो है ये अवार्ड दिया है कपिल पथारे को, कपिल पथारे को उनका जो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के अंदर जो उनका योगदान है उसको जो है रिकोगनाइज करने के लिए अवार्ड दिया गया है। और ये कपिल पथारे कौन सी कंपनी के डायरेक्टर हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि काफ़ी फेमस है, आप जानते हैं VIP जिसके बैग आप खरीदते हैं या VIP के जो बनियान लोग खरीदते हैं, तो वो कंपनी जो है वो इन्हीं की है और इनको उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से निम्नलिखित में से किसने 2022 में कम से कम एक संयुक्त महामारी तैयारी अभ्यास आयोजित करने का निर्णय किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एटलीस्ट वन ज्वाइंट पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज इन 2022 में, मतलब जैसे अब कोरोना महामारी जो है फैल गई है, तो ऐसी महामारी जो है 100 साल बाद आई है, तो ऐसी महामारी से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जाए, मिलजुल के अभ्यास किया जाए, इसके लिए जो है कौन से संगठन ने जो है अभी कहा है कि हम 2022 में कम से कम एक तो करेंगे, ठीक है। SAARC है, आप सभी जानते हैं इसको, दक्षेश कहते हैं, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है, UNO इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ASEAN आपने देखा है जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसका संगठन है। अब देखिए क्वेड आपको हमने अभी बताई दिया, 4 देश हैं, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, चारों से मिलकर बनाए। तो अभी रिसेंट में क्वाड देशों की मीटिंग हुई है और उसी में ही ये डिसाइड किया गया है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट एटलीस्ट वन एक्सरसाइज ज्वाइंट पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज इन 2022, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ई गवर्नमेंट? तो कौन सा जो है रैंक है इंडिया का ई गवर्नमेंट के अंदर? असल में जो इंडेक्स है ये इंडेक्स काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, ठीक है, और इस इंडेक्स के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। असल में मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, असल में इसका नाम है ये क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये इंडेक्स दिया जाता है एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है SAARC जो कि ब्रिटेन की है, तो ये ब्रिटेन की कंपनी है जिसके द्वारा वर्जीनिया ब्रिटिश वर्जीनिया के प्रांत के अंदर ये कंपनी है और ये डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स देती है। तो भारत का इसमें वैसे तो स्थान इसमें 59th है, लेकिन इसी इंडेक्स के अंदर ये कई चीज़ें देती है, जैसे ई गवर्नेंस के अंदर किसका कितना स्थान है। ई गवर्नेंस के अंदर भारत का जो स्थान इसने बताया है वो 33th है, ठीक है, 23वां स्थान है। यानी कि ई गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो सर्विस देती है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से दे, जैसे सर्टिफिकेट किसको कुछ बनवाना, लाइसेंस बनवाना, सब इंटरनेट के माध्यम से दे, तो करप्शन कम हो जाता है, उससे लोगों को सुविधा हो जाती है, लाइन में नहीं लगना पड़ता, टाइम कम लगता है, ठीक है। तो ये भारत का जो है रैंक है। और इसी के अंदर एक और इंडेक्स है जिसमें है कि इंटरनेट अफोर्डेबल कितना है, तो हमारे यहाँ पर इंटरनेट जो है कितना सस्ता है और लोगों को अफोर्डेबल है वो उसको ले सकते हैं नहीं, तो उसके अंदर जो भारत का रैंक इन्होंने बताया है वो
इन्होंने बताया है 47, ठीक है, लेकिन डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 59 है। तो ये सारे इंडेक्स आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आजकल लोगों की क्वालिटी जो लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश हर गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए ऐसे इंडेक्स से जो हमारी छवि बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टेक चार्ज एज गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में बहुत सारे जो है राज्यपाल बदले गए हैं, तो वो जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, बनवारी लाल पुरोहित, आर एन रवि और जगदीश मुखी, तो ये सारे ही अभी रिसेंट में अपॉइंट हुए हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह जो है इज़ द राइट आंसर। ये जो है अभी उत्तराखंड के मुख्य गवर्नर बनाए गए हैं। और बनवारी लाल पुरोहित ये जो है पंजाब के हैं, जिन्होंने अभी रिसेंट में पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनको शपथ दिलाई है। आर एन रवि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री गवर्नर हैं। और जगदीश मुखी अगर हम बात करें तो वो आसाम के हैं, आसाम के गवर्नर हैं, लेकिन अभी इनको एक दूसरे राज्य का भी प्रभार दिया गया जिसका नाम है नागालैंड। तो ये सारे हमारे जो है गवर्नर रिसेंट में अपॉइंट हुए हैं इसी महीने। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री बाय ईयर 2050, 2050 तक कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है इंपोर्टिंग कंट्री बन जाएगी साल 2050 तक, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश, मतलब इंपोर्ट करने वाला, इतना इंपोर्ट कर रहा है कि वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट करना एक अच्छी हैबिट नहीं होती, क्योंकि हमारी करेंसी जो है बाहर जाती है, हमारा पैसा बाहर जाता है और हमारी करेंसी वीक हो जाती है। तो भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात है कि तीसरे नंबर पे आने वाला है भारत 2050 तक। और ये रिपोर्ट किसने दी है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ये रिपोर्ट दी है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी इंडिया से कंसर्न है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10 क्वेश्चन हम टारगेट रखेंगे रोजाना, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो करंट अफेयर है वो हमारे जो वो तैयार नहीं होता है एकदम से, तो बेटर है कि उसको 10-10 क्वेश्चन से हम जो है कवर करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो जिनकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की उनको हम छाट के यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है करंट अफेयर्स को जो है आप डेली हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं, आपको अगर ये पसंद आया तो सबसे पहले तो अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। टाइम कम होगा, हम 15 मिनट से नीचे ही रखेंगे इसको, तो लाइक कर दीजिए। और आप अपने कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये यूजफुल लगा या नहीं, ठीक है। इसके अलावा आपने अपना हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब द फीडियाज एकेडमी चैनल हमारा है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर आपको जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो जॉब से रिलेटेड मटेरियल जो दिया जा सकता है दिया जाता है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए द फीडियाज एकेडमी के नाम से। इसका डिस्क्रिप्शन हमने जो है लिंक में दिया हुआ है नीचे, इसका जो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करेंगे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, और हम भी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। डेली 7 डेज जो है आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा, और आपको पता है कि आप आजकल 30-50% तक भी करंट अफेयर्स जीएस का पार्ट होता जा रहा है, ताकि पेपर को हार्ड बना जाए, क्योंकि शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए हैं, तो करंट अफेयर पे हमें फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो डेली इस पे फोकस करना पड़ेगा। 15 मिनट लगाइए और अपना जो है तैयारी बढ़िया बनाइए। तो आपको जो है आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो। मैं रोजाना कहता हूँ कि मेहनत का उत्तर मेहनत से दो, कंपटीशन का उत्तर कंपटीशन से दो। लोग हार्डवर्क कर रहे हैं उसका उत्तर जो है दृढ़ हार्डवर्क से, जो है दृढ़ आराधन से उत्तर दो। कोई भी आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़िए, सैड स्टोरीज मत पढ़िए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनिए, ठीक है, तो उससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठीक है। इंस्पिरेशनल स्टोरीज जैसे आप अगर अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में एक स्टोरी है कि वो 17 इलेक्शन हार रहे थे, लेकिन वो देखते हैं कि एक कमरे में एक मकड़ी जो है बार बार ऊपर चढ़ रही है और गिर रही है, तो वो 17 बार गिरती है और फिर दोबारा चढ़ती है, तो वो उसी से वो शिक्षा लेते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं और फाइनली जो है यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो आपका प्रयास छोड़ना नहीं है, फेलर जो है आपको रोक नहीं सकता, फेलर जो है वो आपको सीखने का एक तरीका है। आप जितने ज़्यादा मेहनत करेंगे फेल होंगे लेकिन सक्सेसफुल भी होंगे। फाइट फॉर ए गुड लाइफ, अच्छी लाइफ के लिए फाइट कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए, अपनी लाइफ को और बेटर बनाइए, अपने परिवार की लाइफ को अच्छा बेटर बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। रीड इंस्पिरेशनल स्टोरीज, ठीक है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। जैसे आप जो है APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं कि उनके फादर कितने गरीब थे, अखबार का काम करते थे, अखबार ये भी अखबार फेंकने जाते थे, तो लेकिन अपने आप को अचीव किया, अपने आप को ऊपर स्टैंडर्ड पर लेके आए। तो आप भी आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।